तेज सिंह हनी एंटरप्राइजेस कोलकाता। मिशन में तो हम लोग का मतलब काफ़ी टाइम से हैं। इसके पहले मेरे फादर मेरे वो डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे सर, कर डैडी के जाने के बाद फिर अभी मैं और मेरे छोटे अंकल हम लोग दोनों बेच देते हैं। वैसे तो मधु जी ने इसका 10th जून का डेट बोला है, बट 10th जून को हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट में आसाम और वेस्ट बंगाल दोनों। हर किसी को पता है फिल्म अच्छी बनी है और अच्छी फिल्म के हर कोई बाहर होते हैं, मार्केट में अच्छा उसका रिव्यू भी है और इनफैक्ट वेस्ट बंगाल वगैरह के लिए तो लगभग सारी फिल्में हमारे पास ही हैं, वो भी एक कारण है। मैंने ना टीज़र देखा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं सिर्फ टाइटल और कंपनी का बैनर ये दो चीज़ देख के ही बाइंग किया है। मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, प्लस में ही रहेंगे हम लोग। ये मतलब इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे भोजपुरी ट्रेड के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी अब मार्केट में आ रहे हैं। जो भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम गिर गई थी वो मुझे लगता है कि अब उत्थान की तरफ अग्रसर है। भोजपुरी के लिए दिनेश जी तो ऑलवेज हिट रहे हैं और उनके साथ ये जो जोड़ी अभी मिल गई है ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया है मेरे हिसाब से। तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और ऐसे ही वो आगे हमारे ट्रेड में फिल्में देते रहें, भोजपुरी ट्रेड और आगे बढ़ेगा। आपका फिल्म का टाइटल जो है, टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, वो टाइटल से ही फिल्म का लुक पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि किस रेंज की बनी है और क्या मसाला है। हमारे यहाँ तो लगभग भोजपुरी के वेस्ट बंगाल में तो लिमिटेड सेंटर ही हैं, मैक्सिमम 9-10 सेंटर ही हैं, बट कोशिश हमारी रहेगी कि मल्टीप्लेक्स तक इस फिल्म को पहुँचाई जाए। फिल्म के टाइटल के हिसाब से एक होप तो है कि ज़रूर आना चाहिए और हम लोग वही हिसाब से मेहनत भी करेंगे, बाकी पब्लिक के ऊपर है। मतलब वाकई काबिल तारीफ है हर कोई, मतलब मैंने जो आज तीसरा या चौथा दिन है इस ऑफिस में, 4 दिन में मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी दिनों से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और हर किसी का सपोर्ट हर काम में मतलब काबिले तारीफ है। मतलब पूरा स्टाफ और मेरे ख्याल से ये पूरा एक जो फैमिली बनी है ये इस कंपनी को बहुत आगे तक ले जाएगी, स्पेशली रवि जी पारस जी, मतलब इनसे ये तो खाली बोल देते हैं और हमारा काम हो जाता है, ऐसा मतलब मुझे बहुत कम कंपनियों में देखने मिला है। वैसे तो हमने काफ़ी फिल्में रिलीज़ की है, सारे लगभग कॉरपोरेट के साथ किया है काम, इस तरह का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिला जो यहाँ है। तो ये लुक ही अपने आप में अलग है, ये दिनेश जी का ये वाला जो लुक आया है ये लुक ही अपने आप में फिल्म के लिए USP है। अच्छा हाँ, एक और बात आपको बताना चाह रहा था, अपने जो संतोष मिश्रा जी हैं वो हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं। पिछला जो उन्होंने फिल्म बनाया था पटना टू पाकिस्तान, अपने टाइम की एक हिस्ट्री थी और हाई बजट फिल्म थी, तो उस फिल्म के मेकिंग के बाद अभी ये प्रियंका चोपड़ा जी और मधु जी ये लोग जो इनका जो सहयोग मिला है हमारे संतोष मिश्रा जी को, तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना होगा। तो पटना टू पाकिस्तान एक अपने आप में हिस्ट्री था, तो उसके बाद इतना बड़ा सहयोग मिला है तो मेरे हिसाब से अच्छी और क्रिएटिव बनाई होगी फिल्म उन्होंने, और मेरा बेस्ट विशेष पूरी टीम को है, स्पेशली प्रियंका जी को, मधु मैडम को और संतोष जी को स्पेशली, और इनकी जो एंटायर टीम है रविशंकर जी पारस जी, और मैं होप करूँगा कि ये पूरी टीम मिलके इससे भी बड़ी हिट आगे प्लान आउट करे और हमें भी मौका दे सर्व करने का।
ऑडियंस है, हमें कुछ नहीं कहना, फिल्म का टाइटल अपने आप अपनी कहानी बयां कर देगा और कर ही रहा है। आप मतलब अभी तक फिल्म का मेरे ख्याल से पब्लिसिटी उस लेवल पे हो नहीं रही है, बट फिर भी फिल्म के बारे में काफ़ी लोग को पता है, चर्चा में है।